अगर आपने भी बैंक से कोई लोन ले रखा है और आप ईएमआई चुका रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज वित्त वर्ष 2024-25 की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये आरबीआई की पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर को 6.5% पर कायम रखा। इस दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम ग्लोबल साउथ में भारतीय रिजर्व बैंक को मॉडल केंद्रीय बैंक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मौद्रिक नीति समिति ने उदार रुख को वापस लेने के रुख पर कायम रहने का निर्णय किया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर दास ने केंद्रीय बैंक ने खाद्य मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर चिंता भी जताई। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने से खरीफ उत्पादन बढ़ेगा, इससे जलाशयों में पानी का स्तर भी बढ़ेगा। आरबीआई मुद्रास्फीति को 4% पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। सामान्य मानसून को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों तरफ घटबढ़ के साथ मुद्रास्फीति 4.5% रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने कहा खाद्य मुद्रास्फीति पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर चालू वित्त वर्ष में 7.2% की वृद्धि दर्ज की जाती है तो ये लगातार चौथा साल होगा जब वृद्धि दर 7% से अधिक होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय नतीजों से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है। दरअसल आरबीआई की एमपीसी की बैठक हर 2 महीने में होती है और इसमें शामिल रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास समेत 6 सदस्य महंगाई समेत अन्य मुद्दों और बदलावों पर चर्चा करते हैं। यह बता दें कि रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है। इसके कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है और इसमें इजाफा होने से ये बढ़ जाती है। बता दें कि रेपो रेट वो दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।